आपके इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। वो एक ही चीज हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मिलेगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। वो है दोस्तों लेसन प्लान, यूनिट प्लान और कंटेंट एनालिसिस, यानी कि पाठ योजना, इकाई योजना और विषय वस्तु विश्लेषण। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में, चाहे आपका बायो हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं पाठ योजना क्या होती है। आप एक बार इसको साइड करिए। पाठ योजना ये समझ लीजिए कि क्लास में पढ़ाने से पहले आप जो योजना बनाते हैं उसी को पाठ योजना कहते हैं। उसमें आप क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, उसमें आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, और ये ख्याल रखते हैं कि बच्चों को उस पढ़ाने से क्या प्राप्त होगा, यही चीज़ करते हैं ना। तो ये पठन पाठन स्टार्ट करने से पहले, यानी कि कक्षा में शिक्षण स्टार्ट करने से पहले एक शिक्षक जो योजना बनाता है ना उसी को पाठ योजना कहते हैं। अब आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। पाठ योजना का तत्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर कक्षा में पढ़ाने से पूर्व तैयार कर लेता है। समझ में आ गई बात? ओके। इससे शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में सहायता मिलती है, ओके, तथा यह सुनिश्चित हो जाता है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। समझ में आ गए दोस्तों? कहने का मतलब है कि शिक्षण से शुरू करने से पहले आप जो योजना बनाते हैं उसी को पाठ योजना कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान भाषा में, शॉर्टकट में हम इसको फिनिश कर रहे हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। सिम्पसन ने क्या कहा था, पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। आप जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें आप उस विषय के बारे में जो भी जानकारी जानते हैं, या फिर बच्चों के बारे में, जैसे उनका पूर्व ज्ञान क्या था, ठीक है, बच्चों ने क्या अनुक्रिया किया, उन सारी चीज़ों को पाठ योजना में अंकित करते हैं। तो आप डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए। सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विषय सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। ये हो गई परिभाषा दोस्तों। इसके अलावा कोई आसान परिभाषा हो तो आप उसे अपने तरीके से उसको याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं एक और चीज, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है, एक शिक्षक पाठ योजना क्यों बनाता है। देखिए, शिक्षक पाठ योजना में शिक्षण को एक दिशा प्रदान करता है। समझ में आ गई? पाठ योजना एक दिशा प्रदान करेगा। पाठ योजना कक्षा नियंत्रण में सहायता करता है क्लास कंट्रोल करने में, और पाठ योजना की सहायता से शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को आसानी से नियोजित कर लेता है। मतलब जो भी बच्चे के पास इंडिविजुअल डिफरेंस है ना उसको वो सुनिश्चित करके और वो अपने पाठ योजना की मदद से बच्चों को शिक्षण कार्य करता है। देखिए दोस्तों, शिक्षक पाठ योजना के आधार पर शैक्षिक लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पाठ योजना में शिक्षकों की सफलता एवं प्रभावी रूप से प्रदान करने की अत्यंत सहायक होती है। मतलब ये है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो कैसे इफेक्टिव होगा, कैसे और प्रभावशाली होगा, इस बारे में पाठ योजना सहायता करती है। पाठ योजना के आधार पर शिक्षक पाठ को पढ़ाने की क्रम व्यवस्था को बनाए रखता है। क्रम व्यवस्था टूटती नहीं है कि अच्छा पाठ योजना रहेगा मतलब हमें इसके बाद ये पढ़ाना है, जैसे कि ब्लड पढ़ा दिया, ब्लड के बाद प्लाज्मा पढ़ाना है, ब्लड की संरचना पढ़ानी है, तो वो जो क्रम व्यवस्था है ना वो बनी रहती है पाठ योजना की सहायता से। एक अच्छी पाठ योजना शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती है, पाठ योजना, और पाठ योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की प्रक्रियाओं को संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। मतलब पाठ योजना की माध्यम से क्या हुआ, शिक्षा में शिक्षक की क्रियाओं का संपूर्ण जानकारी मिल जाता है बच्चों को, ठीक है। अभी देखिए, ये हो गई पाठ योजना की आवश्यकता, ठीक है। अगर मान लीजिए पाठ योजना की महत्व पूछे तो आप भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सेम चीज को इंग्लिश में लिख दिया गया। पहला क्या भाई, डायरेक्शन टू द टीचर, ठीक है, क्लासरूम कंट्रोल करने में फायदा होता है, ठीक है। और टीचर क्या कहता है, लेसन प्लान, टीचर टीच द लेसन बाय इजिली प्लानिंग, द टीचर प्रोसेस द बेसिस फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस। मतलब इंडिविजुअल वेरिएशन बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके आधार पर शिक्षक कार्य कर सकता है, और ये जो शिक्षा के लक्ष्य होते हैं ना उसको ये निर्धारित करता है। इजिली अचीव द एजुकेशन गोल, जो भी एजुकेशनल गोल होता है वो इजिली आसानी से अचीव कर लेता है। वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर टू डिलीवर सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली, मतलब सफलतापूर्वक और प्रभावशाली रूप से आपके शिक्षा की जो भी चीज़ें थी आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, किसके माध्यम से, लेसन प्लान के माध्यम से, ओके दोस्तों। तो ये हो गई इंग्लिश में, आप इसे स्वयं देख सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को हिंदी में समझिए, इंग्लिश में अपनी भाषा में लिखिए। पाठ योजना के प्रकार जानिए। पाठ योजना के प्रकार आप यहाँ से देखिए, लेकिन पाठ योजना के प्रकार जानने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐसे पूछ सकता है एग्जाम्स में वो क्या है, वो ये है कि पाठ योजना के शीर्षक क्या है, या फिर पाठ योजना की संरचना क्या होती है, या पाठ योजना की महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं।
आपने अगर अपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें क्या क्या आपने हेडिंग डाली, शीर्षक क्या था, उसकी संरचना क्या थी। देखिए आप पाठ योजना में डेट डालते हैं, कक्षा वर्ग डालते हैं, विषय डालते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री डालते हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान का शीर्षक बनाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं, उद्देश्य कथन कहते हैं कि प्यारे बच्चों आज हम फलाना पढ़ेंगे, तो इसी को उद्देश्य कथन कहते हैं। शिक्षण विधि का उसमें प्रयोग रहता है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रस्तुतिकरण होता है आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे बोधात्मक प्रश्न, और क्या होता है भाई, श्यामपट कार्य होता है, कक्षा कार्य होता है, और दोस्तों निरीक्षण कार्य, और दोस्तों मूल्यांकन, पुनर्वृत्ति और गृह कार्य। कहने का मतलब ये है कि जब आप लेसन बनाते हैं उसमें क्या क्या शीर्षक होते हैं, या उसकी संरचना क्या होती है, या उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, अगर सवाल ये पूछ दिया तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गई। दोहराना पड़ेगा नहीं, क्या बात है, डेट होगा, क्लास और सेक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, पर्पस जनरल और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य को दो भागों में बांट सकते हैं, विशिष्ट में दो भागों, कौन कौन सा, अब यहाँ पे जैसे विशिष्ट, लेकिन इतना कौन बांटेगा, चलिए बांट लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक और मनोक्रियात्मक कर लीजिएगा। अगर आप विशिष्ट उद्देश्य में डिवाइड करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, मगर इतना सही है। अब देखिए उद्देश्य हो गए शिक्षण में सहायक सामग्री और प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन, पर्पज स्टेटमेंट, टीचिंग मेथड, सबमिशन, कॉम्प्रिहेंसिव वर्क, तो ये वो शीर्षक है, वो ये वो मुख्य बिंदु है जो पाठ्यक्रम का संरचना करती है, पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों पाठ योजना के प्रकार। अब पाठ योजना कई प्रकार की होती है, पहला लिखित, नहीं यहाँ पे मस्तिष्क और लिखित पाठ योजना, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक हमेशा लिखित रूप में ही पाठ योजना दे रहा है, वो कभी कभी अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लेता है कि हमें फलाना चीज़ें पढ़ानी है और ऐसे पढ़ानी है, तो वो जो लिखित रूप में पाठ योजना तैयार की जाती है वो लिखित पाठ योजना कहलाती है, और जो पाठ योजना एक शिक्षक अपने मस्तिष्क में ही तैयार कर लेता है कक्षा शुरू करने से पूर्व, उसे मस्तिष्क पाठ योजना कहते हैं। विस्तृत एवं सूक्ष्म पाठ योजना, मतलब जो 30 और 40 मिनट के पाठ योजना होते हैं उसको विस्तृत पाठ योजना कहते हैं, और जो 5 से 10 मिनट के पाठ योजना होते हैं उसको सूक्ष्म पाठ योजना कहते हैं। समझ में आ गई। अब दैनिक एवं वार्षिक पाठ योजना, मतलब आपको डेली क्लास में क्या पढ़ाना है उसको दैनिक पाठ्य योजना कहते हैं, और पूरे वर्ष में आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे पूरा करना है, इसको वार्षिक पाठ्य योजना कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंटल एवं रिटेन, सॉरी यहाँ पे आप ओरल भी कह सकते हैं, ओरल एंड रिटेन लेसन प्लान, इसको ब्रॉड एंड मिनिमम, सूक्ष्म को क्या होगा, माइक्रो, हाँ ठीक है, तो माइक्रो लेसन प्लान, इसको डेली एंड एनुअल लेसन प्लान। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों इकाई पाठ्य योजना, यानी कि यूनिट लेसन प्लान, यूनिट प्लान कर लीजिए इसको, तो यूनिट प्लान मतलब इकाई पाठ्य योजना, ये चार इसके प्रकार हो गए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इकाई पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना के बारे में देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ना यूनिट डिवाइड होगा, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, इसी को इकाई कहते हैं, इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय। तो ये चीज़ें होती क्या है, ये चीज़ें ना पाठ योजना का विस्तृत रूप है। इसमें होता क्या है, इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का क्रमबद्ध तैयारी है। अब लेसन प्लान में आपको डेली लेसन में क्या पढ़ाना है इसका क्रमबद्ध था, और इकाई योजना में एक इकाई में क्या चीज़ें रखनी है उसी को क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो इकाई योजना क्या है दोस्तों, एक शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की एक क्रमबद्ध तैयारी है। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है, वो एक सोच बनाता है कि किस निश्चित क्रम में हम पूरे इकाई को कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की कार्य योजना और इसके उपयोग के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इकाई योजना कहलाता है। इसको छोड़िए, कहने का मतलब है कि पूरे इकाई में आपको क्या पढ़ाना है, कैसे बनाना है, इसकी योजना बनाना ही इकाई योजना कहलाती है, ओके। अब यू का इकाई योजना के बारे में देखिए, इकाई योजना के गुण क्या है या फिर इकाई योजना के लाभ क्या है आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि इकाई योजना का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार होता है, मतलब छात्र की क्या रुचि है, क्या उनकी क्षमता है, ठीक है। शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है, ओके। शिक्षक भविष्य की आवश्यकता पूर्व अनुमान कर सकता है, ओके। शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान और अधिगम क्रियाओं के संबंध में स्थापित करता है, क्या यूनिट योजना, यूनिट मतलब इकाई योजना, ओके। शिक्षक अपेक्षित उद्देश्य तथा अधिगम क्रियाओं में अर्थपूर्ण सहसंबंध देखता है, इकाई योजना से शिक्षक को समस्त विषय को व्यवहारिक रूप देने में सहायता मिलती है। विविध शिक्षण विधियों का समावेश होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड होंगे इकाई योजना में, और छात्र क्रिया आधारित, छात्र केंद्रित अधिगम द्वारा ज्ञान निर्माण किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक प्रभावी योजना इकाई योजना के उद्देश्य स्पष्ट एवं छात्रों के समग्र विकास से संबंधित होता है, और इसके द्वारा छात्रों में उत्तरदायी पूर्ण कार्य करने की भावना का विकसित किया जाता है। यह शिक्षा को अधिक रोचक और सक्रिय बना देती है।
यह विधि छात्रों के अनुसार सामग्री के प्रयोग की भावना बढ़ा देती है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट थे, इसके गुण थे या फिर इसकी विशेषता थी कि वह पूरे यूनिट की जानकारी दे देती है और पूरे यूनिट को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर देती है। शिक्षक को सहायता करती है पूरा यूनिट कंप्लीट करने में। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको देखिए, ये होती है इकाई योजना की विशेषताएँ। इसके दोष देखिए, इसके दोष क्या है। सबसे पहले देखिए, पाठ्य सामग्री अत्यधिक विस्तृत लगने लगती है। अब आप जब यूनिट वाइज में डिवाइड करेंगे ना तो बड़ा अब एग्जाम्पल एक मिनट सोचिए जरा, जब आप पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करेंगे ना तो वो एक लेंथी बन जाएगा कि 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट, तो वो लेंथी बन जाता है। तो पाठ्य सामग्री अत्यधिक विस्तृत लगने लगती है। ये सभी प्रकार की विषय वस्तु छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त नहीं किया जाता, समझ आ रही बात। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय वस्तु को आप छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते। कई विषयों में सामग्री ठीक से विभक्त नहीं हो पाती है, इकाई क्रमबद्ध का अभाव होता है, मतलब ठीक से इकाई यूनिट डिवाइड नहीं हो पाती है। इसमें अत्यधिक समय लगता है, इसलिए निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना कठिन हो जाता है। तो ये इकाई की दोष हो गए, ठीक है। तो ये इकाई की दोष। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, वो क्या है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस क्या मतलब, आपने पहले लेसन प्लान देखा, लेसन प्लान का मतलब कि वह योजना बनाना कि आपको उस लेसन में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आपने यूनिट प्लान देखा, यूनिट प्लान मतलब पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को इकाई में तोड़कर आपने देखा कि आपको क्या पढ़ाना है। कंटेंट एनालिसिस मतलब पाठ्य वस्तु, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं ना, जो वस्तु आप, जो पाठ्य वस्तु या जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी विश्लेषण करिए कि वो क्या चीज़ें होती है, उसकी पहले स्वयं अध्ययन करिए, उसका शिक्षा ग्रहण करिए। तो पाठ्य, उसी का विश्लेषण क्या कहलाता है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण कहलाता है। देखिए, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से अभिप्राय पाठ्य वस्तु के शैक्षिक तथा बौद्धिक विश्लेषण से। शैक्षिक मतलब आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो वस्तु बताइए, वो चीज़ें बताइए, कंटेंट बताइए कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इसका पहले विश्लेषण करिए। और बौद्धिक विश्लेषण मतलब उससे बच्चों को लाभ क्या होगा, बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो क्या होगा, इसकी आपको विश्लेषण करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड की बात कर रहे थे, तो ब्लड आप ब्लड में क्या पढ़ाएंगे, इसकी आप पहले विश्लेषण करिए। तो ये पाठ्य वस्तु विश्लेषण हो गई। अब बच्चों को इससे फायदा क्या होगा, ये बौद्धिक विश्लेषण हो गया, ठीक है। इस विश्लेषण का लक्ष्य पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है, सिंपल सी बात है, ओके। और नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण बिंदुओं का चयन करना होता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ाने हैं, जिससे शिक्षक सरलता से अपने पाठ्य वस्तु हेतु निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। समझ में आ गई बात। जब आप पॉइंट निर्धारित कर लेंगे कि मुझे ये पॉइंट पढ़ाना है, तो जो भी आपके शिक्षा के उद्देश्य होंगे वो निर्धारित हो जाएंगे, ओके। अब ये वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा, पहले कंटेंट एनालिसिस, अब देखिए कंटेंट एनालिसिस समझ में आ गई कि जो पाठ्य वस्तु आपको पढ़ानी है उसकी विश्लेषण करना ही पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। इसके आप अगर लाभ पूछते कि इसके लाभ क्या होता है, तो इससे लाभ ये होता है कि शैक्षिक विश्लेषण हो जाता है, बौद्धिक विश्लेषण हो जाता है, पाठ्य वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है, और जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की आसानी हो जाती है, और शिक्षक को एक सरलता से पथ मिल जाता है जिससे बच्चों को पढ़ाना है, और शिक्षक बिंदुओं का निर्धारण हो जाता है। तो आप सब यहीं से बनाइए, ठीक है। इसकी विश्लेषण की उपयोगिता हो गई, इसका उद्देश्य हो गया, समझ में आ गई बात। आपने इकाई योजना देखा, इकाई योजना में मैंने डेफिनेशन नहीं दिखिए, क्योंकि डेफिनेशन आपकी किताब में रखा होगा, आप वहाँ से ले लीजिए। मोस्टली क्या होता है एग्जाम्स के अंदर ना, वो डेफिनेशन याद नहीं रहते, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब चीज़ें समझ में आएंगी तो आप स्वयं लिखेंगे। और हमने इसका अर्थ जाना कि इकाई योजना का मतलब ये होता है कि पठन पाठ शुरू करने से पहले संपूर्ण सिलेबस को इकाई वाइड डिवाइड करके उसकी योजना बना लेना, ठीक है। और साथ ही साथ हमने लेसन प्लान के प्रकार देखे, मानसिक और लिखित पाठ्य योजना, विस्तृत और सूक्ष्म, दैनिक और वार्षिक, और इकाई पाठ्य योजना, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पाठ्य योजना की आवश्यकता देखी कि क्या क्यों आवश्यक है भाई पाठ्य योजना, और हमने देखा कि पाठ्य योजना में इसके शीर्षक और स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ओके। और साथ ही साथ हमने पाठ्य योजना के थोड़े बहुत अर्थ और थोड़ी बहुत इसकी परिभाषा देखी। कहने का मतलब यह है कि आप पाठ्य योजना के बारे में समझ जाइए कि पठन पाठ्य शुरू करने से पहले कक्षा से पूर्व बनाई गई हो गई, ठीक है दोस्तों। देखिए यही छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आप अपने दिमाग में रखिए, अगर एग्जाम्स में इससे संबंधित आता है तो ऐसे ही हेडिंग बना के आपको लिखना है, ठीक है। अर्थ, परिभाषा, प्रकार और इसकी संरचना, तो उद्देश्य और विशेषता, ऐसे आपको हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये पॉइंट्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है कि नहीं। 101% होगा, तो प्लीज़ आप बताइए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और क्या ये पॉइंट्स है कि नहीं। 100% होगा, और प्लीज़ बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। और ऐसे ही मैं शॉर्ट करके, जैसे कि अभी लेसन प्लान के बारे में बात हुआ, अभी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बात होगी, और क्या शिक्षण की उपयोगिता और महत्व होते हैं, हर एक करके पॉइंट वाइज बात
होगी इसमें, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, देखिएगा इसमें से शायद एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है एग्जाम्स में, ओके। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये चीज़ें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में है या नहीं है, और ये भी जरूर बताइए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगती है और ये चीज़ें कितना अच्छा लगा आपको, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नई टॉपिक्स के साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स देना ना भूलें। धन्यवाद सर।